देखिए पुलिस का इतना हरासमेंट था, वो कोई खाना दिया पुलिस को बोल के मारो बोल के, इसमें जो सो हम लोग ये हो गया। अब मैं एक अच्छा कराटे फाइटर था, ब्लैक बेल्ट, मैं कोचिंग करता हूँ विलेजों में, तो तुम नस्टर्डों को सिखा रहे बोल के मेरे को हरासमेंट किया, उसके लिए जाना पड़ा था, बहुत कुछ तंग किए। उसके बाद में कुछ ऑफिसर से मेरे जाने पहचान होने लगे थे, तो मैं उनसे बात करके मेरा सेव कर लिया। तो वो लोग क्या सोचे, पुलिस का इन्फॉर्मर हमारा जानते हो, तो उसमें क्या हो गया, दोनों में हम लोग को बाहर जाना पड़ा। मैं नाजिब को मेरा शेख चांद पास है। अब क्या करते हैं, मैं सुशील वर्कर हूँ, गल्फ रिटर्निंग सोसाइटी एक हॉस्पिटल बना के गल्फ के बेटे के लिए उनके हेल्प के लिए वापस कर रहे हैं मेरे घर में। तो हाँ ये बताइए चांद पास सर, कहाँ पे मुश्किल आती है, क्या गड़बड़ है ये? एक्चुअली सर ये तो जान मुझके जो बड़ा स्कैम है, हम लोग जान लिए, हम लोग यहाँ पे काम नहीं है, ज़रा कर नहीं है, लेबर का है प्रॉब्लम था थोड़ा बहुत, कुछ एलिगेशन की वजह से हम लोग को बाहर जाना पड़ा, कुछ कमाएंगे बोल के एजेंट लोग। वो ज़माने में सर जब हम लोग बाहर गए थे 1,20,000-30,000 रुपये लेके भेजते थे, वहाँ जाने के बाद जो काम है नहीं है तो भी काम करके जो भी हम खर्चा फिरना बोल के 10 रुपये की ब्याज लेके 5 रुपये ब्याज लेके हम लोग खर्चा करके कमाएंगे बोल के थे, जाके हम लोग कई मुसीबत पड़े। उसको मुसीबतों को देख देख के कोई आदमी मर भी गया तो उस डेड बॉडी का भेजने का नहीं है। मैं यहाँ पर एक लेबर कैटेगरी में जाके वहाँ पर लेबर के अपने इंचार्ज तक काम किया, अपने हिसाब से कुछ आगे बढ़ के काम किया। जो भी आदमी लेबर का आदमी उसको एकदम तेलंगाना के लेबर को और आंध्र के लेबर को कुत्ते की तरह देखते हैं, केरला वाले कोई भी जो भी है, हम लोग से तो भाषा नहीं आती सर, हिंदी नहीं आती, उर्दू तेलुगु नहीं आती, किसी भाई इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ एक ही लैंग्वेज तेलुगु लैंग्वेज, कभी मुस्लिम कंट्री हमारे उसको हिंदी उर्दू आ जाती है, इसमें भाषा के प्रॉब्लम करते बहुत तंग करते थे। इतना सैलरी भी बहुत कम है लेबर के लिए, 35 ऊपर ज़्यादा नहीं है, ओवर टाइम नहीं मिलता है, उसी में खाने का उसी में भेजने का वही हमको, मेरे 1,20,000 मेरे को जो भरना पड़ा मेरे साथ वालों को, उस टाइम मैं कैटेगरी में गया था, मैं पेंटर का मैनेजर था, मुझे हाफ पे में भरना पड़ा, तो मुझे 35,000 भरना पड़ा, 35,000 रुपये ले 2 साल तक मुझे काम कमा के फिरना पड़ा। उसके बाद में इम्प्लीमेंट करके मैंने कुछ आगे बढ़ते, जब भी हम लोग सोचते थे कुछ ये हो रहा हो कोई भी आया पैक करो सब, जब भी उसको मैं लेबर को हम लेके जाना ड्राइविंग सीख के बाद में यार, तो लेबर का इतना प्रॉब्लम हो गया सर, तो लेबर घर को जाने के कोई इंक्रीज कर दिया 1-2 साल में तो 5 साल के मर जाएगा, क्योंकि यहाँ कर्जा उतना ही है और आके जी नहीं सकता, इसीलिए कुछ तो कंपनी से भाग जाते हैं, भाग जाने के बाद वो इलीगल इमिग्रेट हो गया, जब तक काम मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, नहीं मिला तो वहीं 30 साल भी सकते हैं। या तो फिर डेड बॉडीज का क्या मामला है, कि लोग वहाँ से सऊदी में खास करके डेड बॉडीज को यहाँ पे लाने में क्यों दिक्कत है? हाँ सर, ये एक्चुअली डेड बॉडी आने की दिक्कत ये होती है कि जैसे प्रॉपर वीजे पे जाते नहीं, ये लोग प्रॉपर काम नहीं होते, मेनली भाग जाते हैं, तो ये भागने के बाद में कपिल इनके पास नहीं होता है, पासपोर्ट इनके पास नहीं होता है, इसके लिए बॉडी आने में देर होती है। मेन वजह है कि अगर आदमी जब इंतकाल हो जाता है तो उसको डेड बॉडी कपिल भेजने की जिम्मेदारी बनती है, जब कपिल पर काम करते हो तो कपिल अगर अकामा नहीं बनाता है, कपिल के पास कोई अकामा नहीं है तो वो फिर चक्को जाता है, जब तक उसका अकामा नहीं बनाएगा फिर अकामा फिर वीज़ा रीएंट्री नहीं मारेंगे तो फिर वो बॉडी वहीं तक होती है, जब तक वो कपिल उसके पास मेरे पास भाग गया बोल के बोलता, अन्य माफी में अरे तरह बढ़ रहा बोलता, मतलब भाग गया मेरे पास से, वो उसने कहा था इसको इनलीगल बोल के लोग क्रेड कर दे, कपिल लोग पैसे दे लेकर भी अकामा नहीं बनाते, नहीं बनाए ऐसे मर गया तो मेरे पास भाग गया बोल के वो लोग अपना आर्मी में 1 लीटर दे देते, उसके बाद में क्या हुआ हमारे एम्बेसी पर बोल देते। यही बात तो मेरे दिमाग में आया था, मेरे गाँव में धनवीर नरसिंह नरसिंह बोल के मर गया था बच्चा, हम लोग जब गल 2007 में जब गल्फ का मैंने शुरुआत किया था एवरेस्ट कैंपिंग और दुबई में जो मैंने बात किया था रम रेड्डी साहब से और जो भी यहाँ पे रायशे के साहब से बात किया, तो हमने इसके प्रॉब्लम को इशू किया था। जब मेरे को 2008 में मेरे गांव का लड़का एक मर गया था नर्सिंग, तो उसकी बॉडी बनाई थी कि यही जी न्यूज़ फर्स्ट टाइम मैंने यही जी न्यूज़ के जरिए डेड बॉडी का एक्सपोजिंग किया स्टोरी, उसके बाद में 29 डेज के अंदर बॉडी बनाया। उससे पहले हमारे लोकल MLA वो लोग जो भी बोले ये बॉडी नहीं आती है, ये खाली ये फेक है, ये इसको ये हिसाब से जब हम लोग बॉडी मैंने इंडियन एम्बेसी काउंसलर श्रीनिवास बाबू दुबई में थे, मैंने उनका आईडी कार्ड मेरे पास था, जो दुबई में काम करता था उन्होंने मुझसे कोटेशन काम करता था, तो उन्होंने कार्ड दिए कुछ प्रॉब्लम फोन करूँगी, मैंने उनके जरिए फ़ोन करके एक एफिडेविट बना के डेड बॉडी मंगाया था,
उसके बाद में चार डेड बॉडी, एक एक साल पड़ा हुआ था। वो पांच बॉडी आने के बाद में हमको आइडिया आया, जब पब्लिक मेरे पास आना शुरू हो गया कि यू नो कैसे मंगा रहे, तो जस्ट NRSL को इंडियन एम्बेसी को अफिडेविट बना के उसकी प्रॉपरली वीजा कॉपी कौन वेजन भेजा कहाँ से गया, ईजी डेड बॉडी आ जाती है। खाली ये लोग 3-3 लाख खर्च करके जो आते बोलते, ये इनकी अपनी अवेयरनेस नहीं है। मेन क्या है, डॉक्यूमेंट 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार में इनका ट्रैवलिंग चार्जिंग का और डॉक्यूमेंट का खर्चा आता है। डेड बॉडी गवर्नमेंट इंटेग्री की गवर्नमेंट इमिग्रेशन एक्ट रूप करके वो इधर भेजती है। अगर काफ़ी पैसा नहीं देता तो हमारे इंडियन हाई कमीशन में पैसा है, इंडियन एम्बेसी को जो हमारे फॉरन मिनिस्ट्री जो को अप्लाई कर लिए, तो NRSL जब डिप्टी सेक्रेटरी के पास NRSL है, जहाँ पे नो श्री बाबू इंचार्ज ऑफिसर है, ये लोग के जरिए अगर हम अप्रूव हो गए तो यहाँ से एम्बेसी इन्फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो केस है अभी आप देखें जी, तो इनको 49 डेज क्यों लगे, क्या इनके अभी इनको इसलिए लगे क्योंकि इनके पास वीजा नहीं है, अकामा नहीं है। अकामा नहीं है तो क्या होता है, वो कफिल सऊदी गवर्नमेंट की गलती है, सऊदी की गलती है। सऊदी गवर्नमेंट क्या करती है, उसको पहले अकामा मारो, वो अकामा मारने के लिए उसको 3,000 रियाल खर्च करना पड़ता अकामा मारने के लिए, और उसको वीजा री एंट्री मारना पड़ता। जब तक वीजा री एंट्री नहीं मारेंगे फिर एग्जिट वीजा मारना पड़ता। जिसका अकामा नहीं है, जिसका वीजा कफिल नहीं है, यही प्रॉब्लम होता है। जब तक उसका पासपोर्ट नहीं है तो रिन्यूअल करना पड़ता है, और पासपोर्ट इसका पूरा ये प्रोसेस में टाइम लगता। ये प्रोसेस जब इन्फॉर्म नहीं करते तो और कुछ करते नहीं। बात ये इनके जो भी लोग जो है वहाँ परेशान होते बेचारे, इधर जाते रहते हैं, पैसा खर्च करते हैं, 3,000 रियाल दो पैसा उनका पैसा मांगते हैं। ये बात इनके पास पैसा लेके इनके डेड बॉडी को इनको भेज दिया। ये उसका फर्ज बनता कि उसके पास काम कर रहा था, एक तो उसने ड्राइवर पे भी लेके गया, रखा भी नहीं दिया। ये एक ही नहीं, अभी लास्ट में एक वीक में बॉडी मंगाया, 9 महीने के बाद नहीं आया, वो फिर के भी अभी एक डेड बॉडी कल परसों मारी है आंध्रा के दुर्गा की, वो कोविड गया, कोविड से सऊदी में जाके उसको मर्डर किया गया एक्चुअली, और डेड बॉडी भेजे। तो हम लोग री इंक्वायरी करो, 6 महीने की री इंक्वायरी वेट करते बोले, री इंक्वायरी मर्डर प्रूफ हो गया। मैंने एजेंट के ऊपर और केस डाल दिया कपिल के ऊपर, वो कल डेड बॉडी आ रही है आंध्रा राजमंडल की। ऐसा सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं और लड़कियों को लिए जा रहे मार रहे हैं लड़कियों को। सऊदी में क्यों ऐसा प्रॉब्लम आता है, सऊदी में एक्चुअली सर बद्दू गए, इसलिए सऊदी हम लोग बोलते हैं ना, मैं तो सऊदी को नहीं मानता सर। यहाँ तो अभी बहरीन है, कतर है, कोइट है, ये लोग को पढ़े लिखे हैं, ये लोग अनपढ़ जाहिल लोग हैं सर, इनको इंसानियत नहीं है। हादिफ हिंदी, हम अगर हम मुसलमान भी होते तो कुछ लोग लाइक करते होंगे, हम हैदराबादी है, बाकी लोग तो हादिफ हिंदी तरह बढ़ रहा थूकते सर मुँह पे थूकते। हमको इतने होते, हम अरब देशों से इतनी हिंद, इसलिए मतलब क्यों आए हम, मेरा यही काम है। इसका वजह कौन है, जब हम इसके वजह के ऊपर आके शुरुआत किया सर, जब 2007 तक 2008 तक तो मैं एक सोशल वर्कर का काम किया, मैं अपना जो सफर हुआ मेरे सफर होके मैंने काम किया था दिल जल के। जैसे ही से मैं काम करने शुरू हो गया, ऐसे से पब्लिक आना शुरू हो गया, तो क्या मुझे इमिग्रेशन एक्ट का कानून नहीं मालूम था। हैदराबाद में कुछ एडवोकेट लोग मिले मुझे, तुम लोग लीगल काम करो ऐसा, तो कानून के बारे में बताया। जब इमिग्रेशन एक्ट 1993 रूल्स में इतने फायदे है सर, इंदिरा गांधी के ज़माने में एक कानून बना गया है, उसके अंदर सर्विस चार्ज सिर्फ 6,000 रुपये देना है, वीज़ा फ्री होना चाहिए, कंपनी और जो लाइसेंस लिया है एजेंट वो उसको लाइसेंस मिसयूज नहीं करना चाहिए, उतना परफेक्ट कानून बना के रखा है। वो कानून तोड़ते हुए ये लोग सब एजेंट को रख के सब के जरिए लाखों रुपए लेते हुए आज हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था ये लोग वही कर दिए। और इसकी वजह कौन है, एजेंसी ये लोग तो काम कर रहे हैं, एजेंसी को रोकने के लिए जो POI ऑफिस PG है, ये लोग इमीग्रेट ऑफिसर आज जो है ना, इन लोग रिश्वत खाकर हवाले के जरिए पैसे खाकर, मैंने पकड़ा है सर, मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखिए ये SS राणा बोल के POI ऑफिसर था हमारे साथ में, इसके ऊपर मैंने पूरा एविडेंस जमा किया, जब मैंने कंप्लीट किया